Subscribe to the Toppers and press the bell icon to watch latest educational videos. Hello dear students. तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश फ्रेजेस की एक और नई वीडियो। अगर आप अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश फ्रेजेस यूज करते हैं तो आपकी लैंग्वेज को एडवांस माना जाता है। इस वीडियो में जो फ्रेजेस मैंने आपको सिखाए हैं वो मैंने लिए हैं पॉपुलर अमेरिकन टीवी सीरीज द बिग बैंग थ्योरी से। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस सिखाने वाला हूँ जो इंग्लिश लैंग्वेज में अक्सर बोले जाते हैं एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। तो पहला फ्रेज है गुड ग्रीफ। जब आप किसी काम से सरप्राइज हो जाते हो या एक्सक्लेम्ड हो जाते हो, ये जो सरप्राइज है वो दुखी कर देता है आपको, तो आप बोलेंगे गुड ग्रीफ। तो सेंटेंस में इसका यूसेज है गुड ग्रीफ इट इज स्टार्टेड टू रेन अगेन। तो इसका मतलब है कि गुड ग्रीफ बारिश फिर से चालू हो गई। हो सकता है आपका कोई काम रुक रहा हो तो इसकी वजह से आप कहीं काम पर नहीं जा पा रहे हो, तो इस वजह से आपने कहा गुड ग्रीफ। सेकेंड फेज है स्टीप लर्निंग कर्व। तो जब आपको कोई भी स्किल या कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज़ काफ़ी कम समय में सीखनी हो तो आप यूज़ करेंगे स्टीप लर्निंग कर्व। तो सेंटेंस में इसका यूसेज है अमित इज ऑन अ स्टीप लर्निंग कर्व इन हिज न्यू जॉब। तो अमित स्टीप लर्निंग कर्व पर है अपनी न्यू जॉब में। तो स्टीप लर्निंग कर्व का क्या यूसेज हो गया यहाँ पे, मतलब कि वो उसने न्यू जॉब ज्वाइन करी है तो उसे जो कोई भी स्किल सीखनी है वो उसे काफ़ी कम टाइम में सीखनी पड़ेगी। इसको ह्यूज लर्निंग कर्व या शार्प लर्निंग कर्व भी बोल सकते हैं। थर्ड फेज है हमारा सोर लूजर। ये वो पर्सन होता है जब ये हारने के बाद गलत गलत एक्विजिशंस लगाता है, तो ये पर्सन हो गया सोर लूजर। जैसे गेम्स खेलने के बाद चीटिंग करने का इल्ज़ाम लगा दे या कोई भी बहाना लगा दे कि मैं इस वजह से हार गया, तो इस तरीके का जो पर्सन है वो कहलाता है सोर लूजर। सेंटेंस देखते हैं हम स्टॉप थ्रोइंग चेस पीसेस एट मी यू डैम लूजर। तो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है वो कह रहा है मेरे ऊपर चेस के पीसेस फेंकना बंद करो यू लूजर। तो आप कोई भी जो पर्सन है वो हार गया है वो क्या कर रहा है, चेस के पीसेस फेंक रहा है जो विनर है उसके ऊपर। फोर्थ फ्रेज है बैड विनर। ये वो पर्सन होता है जो जीतने के बाद काफ़ी एरोगेंट हो जाता है या इसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, तो इस तरीके का जो बिहेवियर होगा किसी पर्सन में वो कहलाएगा बैड विनर। योर ब्रदर इज सच अ बैड विनर। तो जो आपका भाई है वो कैसा है, बैड विनर है। बैड विनर मींस जीतने के बाद ब्रैग करता है कि मैं जीत गया, आप हार गए, यू लूजर, या हो सकता है वो जीतने के बाद एरोगेंट हो जाता हो। फिफ्थ फ्रेज है रिडक्टिव एड अपसर्डम। मान लीजिए आपको किसी ने कोई एडवाइस दी है या कोई ऐसी बात कही है जिसे फॉलो करने से कोई मतलब नहीं निकलता हो, मतलब आप उसकी एडवाइस को फॉलो करो लेकिन लास्ट में उस एडवाइस से कोई बेनिफिट नहीं हो, कोई रिजल्ट ना निकले, तो आप उस बात के लिए रिडक्टो एड अपसर्डम यूज कर सकते हो। या किसी ने कोई ऐसी बात कही है जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लॉजिक नहीं है उस बात के पीछे, तो हम उस जो बात है या वो जो एडवाइस है उसके लिए हम बोल सकते हैं रिडक्टो एड अपसर्डम। दिस इज द रिडक्टो एड अपसर्डम ऑफ अ जनरेशन हु थॉट दैट बीइंग स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस वॉज अ सस्टेनेबल थिंग। ये आज के जनरेशन का रिडक्टो एड अपसर्डम है कि वो ये सोचते हैं कि अगर वो खाली स्पिरिचुअल होंगे बट रिलीजियस नहीं होंगे तो काम चल जाएगा, खाली स्पिरिचुअल होना ही काफ़ी है। तो इस बहस में तो हम बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे कि स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, ओके ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। सिक्स फ्रेज है ब्रेन्स आउट। ये जो फ्रेज है वो एक इंटेंसीफायर है, मतलब कोई काम जब बहुत ज़्यादा ढंग से किया जाता है तो उसके लिए हम उस काम के लिए हम ब्रेन्स आउट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये उस वर्ड की या उस वर्ब की उस काम की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। आई एम वरीड दैट द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम विल बीट माई ब्रेन्स आउट इफ ही फाइंड्स आउट दैट आई एम सीक्रेटली सीइंग हिज गर्लफ्रेंड। तो सेंटेंस काफ़ी अच्छा है। सेंटेंस का मतलब है कि मुझे चिंता है कि जो हमारी जो फुटबॉल टीम का जो कैप्टन है वो मुझे मारेगा, बहुत ज़्यादा मारेगा। मैंने यूज़ किया है फ्रेज ब्रेन्स आउट, तो इसका मतलब है कि कैप्टन बहुत ज़्यादा मारेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं छुप छुप कर उसकी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा हूँ या मिल रहा हूँ। ब्रेन्स आउट के ऊपर एक और सेंटेंस देखते हैं द किड्स स्क्रीम्ड देयर ब्रेन्स आउट इन द हॉन्टेड हाउस। तो हॉन्टेड हाउस में जब बच्चे गए तो वो क्या हुआ, उसने उन बच्चों ने चिल्लाया, मतलब काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया, हद से ज़्यादा चिल्ला दिया, तो इसलिए यूज़ किया गया ब्रेन्स आउट स्क्रीम के लिए यूज़ किया गया। ओके, क्योंकि करा क्या है, स्क्रीम क्या है ना,
और हद से ज्यादा किया है तो स्क्रीन के लिए यूज किया गया है ब्रेन साउंड। सेवंथ फ्रेज है इट्स अप टू यू। तो इस फ्रेज का मतलब है जब कोई भी काम का होना आपके ऊपर डिपेंड करता हो या कोई डिसीजन लेना है और वो उस डिसीजन को लेना आपके ऊपर डिपेंड करता हो तो बोला जाता है इट्स अप टू यू। जैसे आपके आपने अपने फ्रेंड से बोला कि क्या हम मूवी चलें, ठीक है, तो आपका फ्रेंड अगर आपसे बोले इट्स अप टू यू तो वो आपसे कह रहा है कि तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, उसने आपसे बोला इट्स अप टू यू कि तो मतलब हो गया तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें मूवी देखने जाना है या नहीं जाना है। इट्स अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू गो मूवी, तो मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारी मर्जी है कि क्या तुम मूवी देखने जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। एट्थ फ्रेज है गॉट सम फीलर्स आउट या फिर पुट आउट फीलर्स। मान लीजिए आपको कोई कंपनी है या आपको कोई काम करना है तो आप लोगों से आप अपनी कंपनी के बारे में सवाल पूछते हो या फिर राय निकालना चाहते हो, आप लोगों की राय जानना चाहते हो आपके काम के बारे में, ठीक है, तो मतलब आपकी जो कोई भी क्वेरीज हो उस काम को लेकर के लोग क्या सोचते हैं या आपकी कंपनी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो सेंटेंस में हम इसका यूसेज देखते हैं। रमेश पुट आउट फीलर्स टू सी इफ एनीवन वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग हिज कंपनी। रमेश ने क्या किया, लोगों से पुट आउट फीलर्स यूज किया है, तो इसका मतलब यह है कि वो गया और लोगों से उनकी मन की इच्छा जानी, ठीक है, कि लोग क्या सोचते हैं उसकी कंपनी के बारे में और क्या वो उसे खरीदेंगे। हो सकता है वो ये जानना चाह रहा हो कि उसकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, ठीक है, या एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको पुट आउट फीलर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। नाइन्थ फ्रेज है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन का मतलब है किसी भी डिसीजन, किसी भी बात, किसी भी क्वेश्चन की गहराई तक जाना, तो वो कहलाता है ड्रिल डाउन। सेंटेंस हम देखते हैं इसका। व्हाट आई लाइक टू डू इज टू ड्रिल डाउन इन माई क्वेश्चन। तो मुझे जो पसंद है वो ये है कि मैं अपने क्वेश्चन की गहराई तक मुझे जाना पसंद है। टेंथ है सिंथेसाइज फैक्ट्स एंड आइडियाज। इसका मतलब है डिफरेंट आइडियाज या फिर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके एक कर देना, ओके, एक नया फॉर्म दे देना इन सबको कंबाइन करके। या अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग आपने आइडियाज से कुछ कुछ इंस्पायर हुए, वहां से आपने क्या किया उन सबको मिला के एक नया आइडिया बना लिया अपना, या थ्योरी बना दी कोई, ठीक है, या कुछ भी आपने सिंथेसाइज किया, कंबाइन कर दिया सारी चीजों में से मिला के कुछ ना कुछ, तो उसे बोलेंगे हम सिंथेसाइज फैक्ट्स या फिर सिंथेसाइज आइडियाज बोलेंगे हम। आई होप ये फ्रेजेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट्स करके हमें जरूर बताना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है या उनकी जो इंग्लिश राइटिंग है वो भी काफी एडवांस हो जाए।